सोते ही नहीं है, इनको बार बार बोला जाता है कि सो जाओ, और सुबह में ये लोग उठते नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं जिज्ञासा, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिज्ञासा फैमिली व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, समय है शाम का, संडे की शाम का समय है, और अगर आपने मेरे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो हम लोग गंगा जी से आए थे संडे को, मतलब हम लोगों ने गंगा जी पे जाने का प्लान किया था। गंगा जी भी जाएंगे और गंगा जी के दर्शन करके आएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। तो ये वही उसी दिन की शाम का ब्लॉग है, क्योंकि मैंने दोपहर में आके वहां से काफी थकान हो गई थी, तो बस रास्ते से हम लोग लेते आए थे समोसे और बस समोसे और चाय खा लिए थे। फिर अब थोड़ी देर आराम करने के बाद और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि खाने की तैयारी तो मैंने सुबह ही कर ली थी, सब्जी वगैरह सुबह ही काट ली थी वहां जाने से पहले, लेकिन आके बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि काफी लेट भी हो चुके थे हम लोग वहां से आके। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और थोड़ा जल्दी ही बना रही हूँ खाना। अभी करीब 6:30-7 का टाइम हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो बस जल्दी से बना रही हूँ खाना और बाकी तैयारी पूरी है। बस मुझे आटा वगैरह मलना है और सब्जी छौंक देनी है, सब्जी वगैरह कटी सब रखी है। तो चलिए कर लेते हैं बनाना शुरू। और ये सब्जी हम लेके आए थे कल, तो वही मिर्च वगैरह जो मैंने रात भूल के रखी थी सूख गई है, तो मैं ये डंडिया वगैरह इनकी तोड़ के रख दूंगी। तो डंडिया अगर तोड़ के रख देते हैं फिर मिर्च खराब नहीं होती है, लंबे टाइम के लिए चल जाती है। तो मैं ऐसी रखाई गैस पे, सब सामान कटा हुआ रखा है। तो ये रख दिए मैंने कढ़ाई गैस पे, क्योंकि मुझे इसमें कढ़ाई में ही छौंकनी है सब्जी, और इतने कढ़ाई गर्म होती है तो इतने मैं ये तोड़ लेती हूँ, हरी मिर्च की डंडी तोड़ लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं डंडियाँ तोड़ के रखती हूँ फ्रिज में तो ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए चल जाती हैं, वरना क्या होता है कि डंडी की जगह से ही सड़ने लग जाती हैं। डंडियाँ मैंने सारी तोड़ ली है मिर्चों की, वो मैंने कर दी है सब्जी बनाने की तैयारी शुरू। और प्याज वगैरह छील के रख दी थी मैंने, काट के नहीं रखे थे, तो मैं प्याज और लहसुन तो कर लूँगी इसमें फूड प्रोसेसर में, चॉप कर लूँगी बारीक बारीक, और टमाटर और हरी मिर्च साथ में चॉप कर लूँगी। और यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो मैं डाल दूँगी साथ में तेल, और क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो तेल भी जल्दी से गर्म हो जाएगा, और बस कर लेती हूँ जल्दी से छौंकना शुरू। तो पहले डाल देती हूँ जीरा, तो जीरा भुन चुका है क्योंकि तेल काफ़ी अच्छा गर्म है, तो प्याज और लहसुन डाल देती हूँ, और प्याज लहसुन भुन चुका है तो बस मैं डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्च, और टमाटर और हरी मिर्च को भून लेंगे, और साथ ही यहाँ मसाले ऐड कर दूंगी मैं, वही मसाले ऐड करने हैं, नमक हल्दी और सूखा धनिया और हींग, बस मसाले ही हैं मैंने ऐड, और लाल मिर्च डाली नहीं है क्योंकि लाल हरी मिर्च डाली हुई मैंने इसमें। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें आलू और गोभी जो कि मैंने अच्छे से धुल के रखे हुए थे, काट के अच्छे से साफ़ करके, और अब ले लूँगी मटर मैंने छील के रखी हुई थी, तो मटर मैं साफ़ करके इसमें धुल लूँगी पानी में और डाल दूँगी साथ में। और इधर मैं दूसरी गैस पर रख दिया मैंने पानी गर्म होने के लिए, पानी मतलब पीने के लिए, जो खाना खाते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं एक बार तो मतलब दोपहर में गर्म करके रख लेती हूँ, दोपहर में जब मतलब दोपहर में लंच वगैरह होता है तो तब मैं एक बोतल पानी गर्म करके रख लेती हूँ और एक जग में ठंडा पानी करके रख देती हूँ, और वैसे ही सेम करती हूँ मैं शाम को क्या होता है कि शाम को डिनर के टाइम पे भी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, एक बोतल पानी गर्म करके रख लेती हूँ, तो वो रात का टाइम का काम हो जाता है, रात के समय का। तो अब मैंने यहाँ बथुआ पीस लिया है क्योंकि बथुआ भी मैं उबाल के रख दिया था मैंने सुबह में ही, तो ये बथुआ मैं मिला लूँगी इसमें आटे में, और नमक मिला लूँगी थोड़ा ज़्यादा सा बथुए के हिसाब से, क्योंकि हमने किया है इसमें बथुआ भी ऐड। तो बस मैं मल लिया है उसको, और उसमें मैंने मिलाया था मक्के का आटा और बाजरे का आटा भी मिलाया था गेहूँ के आटे में, जो कि मैं हमेशा मिलाती हूँ। और बस यहाँ काट लिया मैंने धनिया धुल के साफ करके अच्छे से। फ्रेंड्स, सब्जी मेरी छुक चुकी है, मतलब सब्जी बन रही है अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आटा भी मैं मल चुकी हूँ, और ये मैं कर रही हूँ पानी कि खाना खाएंगे तो थोड़ा गर्म पानी करके मैं इसमें बोतल में भर के रख लेती हूँ, एक बोतल भर के, और इसमें रख लेती हूँ ठंडा पानी भर के, तो ये दोनों चीज़ें भर के रख लेती हूँ क्योंकि कभी ज़्यादा तेज गर्म पानी होता है तो थोड़ा मिक्स करके पी लेते हैं। तो और ये छोटा कर रही है पढ़ाई, तो वही छोटा मुझे दिखाने आई है, तो ये छोटा की कॉपी इसलिए यहाँ पर रखी हुई है, और धनिया मैंने काट लिया, तो ये लेके आई थी मैं वहाँ से, और बच्चों के लिए भी लेके आई थी। और ये वाला है, ये मैं पहले लेके आई थी जब पहले गंगा जी गए थे, ये भी वहीं से लेके आई थी। कैसा लगा बताइएगा प्लीज कमेंट करके, तो मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के। तो जब भी कभी जाना होता है तो, और ये देखो ये मैं लेके आई थी छोटा के लिए, ये और बाबू की, ये
ये बाबू ने हल्का लूज कर दिया है, बार बार बाबू इसको ना ऐसे 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 पकड़ के ऐसे बार ऐसे करने से लूज हो गया, वरना टाइट था वो। और दो लेके आई हूँ मैं ऐसे, एक बाबू के लिए भी लेके आई हूँ, एक छोटा के लिए, दो है इस तरह के वैसे, एक बाबू का है एक मेरा, चार लेके आई थी मैं। लगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज, पिछला वीडियो जिसमें हम गंगा जी गए थे और सारा कुछ मतलब कोशिश की थी मैंने वहाँ बहुत कुछ दिखाने की और मतलब आपको दर्शन कराने की, तो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बना लेती हूँ मैं खाना और पानी भी हो चुका है गर्म, बस जल्दी से खिला देती हूँ खाना बना के, क्योंकि दोपहर में भी खाया नहीं आज ठीक से। तो फ्रेंड्स डिनर हमारा हो चुका है और हो चुकी है अब सोने की तैयारी, काफ़ी देर हो चुकी है जब डिनर हो गया था हमारा, खाना पीना सब हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि आज जल्दी कर लिया था हमने, तो सोने की तैयारी हो चुकी है क्योंकि कल क्लास भी है, बाबू छोटा की क्लास भी है कल, तो अभी वैसे 10:15 बजे हैं लेकिन अभी तो क्योंकि सोते सोते वही 10:30-11 के करीब का टाइम हो लेता है, जितनी जल्दी कोशिश करती हूँ मैं तब भी लेट हो जाता है बाबू छोटा के चक्कर में, क्योंकि अभी तो इनको लेटाया है मैंने आके, बाबू अभी लेटी भी नहीं है, बाबू बाबू कर रही है अभी कपड़े चेंज, सोते सोते वही 11 तो बज ही जाते हैं, कितना भी जल्दी कर लो। 10:15 के करीब है। हाँ जी, तो अब हो गई हमारी सोने की तैयारी, बच्चे थोड़ा लेट कर देते हैं वरना कोशिश करते हैं कि हम 10 तक सो जाएं, जिससे कि सुबह जल्दी से उठ के अपने अपने काम पे लग सकें आराम टाइम से, परंतु ये क्या है छोटा और बाबू दोनों टाइमली सोते ही नहीं है, इनको बार बार बोला जाता है कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ और सुबह में ये लोग उठते नहीं हैं, तो पंगा ये रहता है, इनकी क्लासेज भी रहती हैं तो हमें ज़्यादा चिंता रहती है इनकी क्लासेज की, तो सुबह 8:30 बजे मुश्किल से उठ पाते हैं, 8:40 से इनकी क्लास होती है, तो फिर जल्दी जल्दी भागेंगे इधर उधर, तब जाके इनका अगले दिन का शेड्यूल शुरू हो पाता है, तो अभी के लिए गुड नाइट। ठीक है तो फ्रेंड्स सो जाते हैं अब, सुबह उठना है क्योंकि कल मंडे है, तो कल फिर वही सुबह उठते ही फिर वही काम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि संडे को तो बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, सैटरडे की शाम को मतलब रिलैक्स हो जाते हैं कि अब कल छुट्टी है, और लेकिन संडे की शाम से फिर वही टेंशन हो जाती है कि फिर वही मंडे से फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा डेली वाला, सुबह उठो जल्दी जल्दी फिर वही सारा दिन भाग दौड़, क्लास का भी ध्यान रखना होता है, बाकी सारे काम ही होते हैं दोनों को ही देखने, मुझे अपनी टेंशन होती है, हस्बैंड को अपने कामों की टेंशन होती है, बच्चों को अपनी क्लासेस की टेंशन होती है, सब लग जाते हैं अपने अपने कामों में। तो ठीक है फ्रेंड्स सो जाते हैं अब, थोड़ी कोशिश करेंगे जल्दी तो सो जाएंगे, आराम मिल जाता है क्योंकि आज तो वैसे भी काफ़ी थके हुए हैं हम, आज गए थे हम गंगा भैया के दर्शन करने के लिए, हर की पौड़ी गए थे हम गंगा भैया के दर्शन करने के लिए, तो बच्चे भी और हम भी काफ़ी थके हुए हैं क्योंकि काफ़ी घूमना पड़ता है वहाँ, दूर तो और दूर भी है यहाँ से, हमारे यहाँ से भी काफ़ी दूर है, तो वैसे तो हम मतलब वहाँ जब जाना होता है तो दूर ही खड़ी करनी पड़ती है बाइक या बाइक स्कूटी जो भी आप लेके जा रहे हो गाड़ी वाड़ी, वो अपना दूर ही खड़ी करनी पड़ती है, फिर काफ़ी दूर चलना पड़ता है वहाँ से अगर आप नहीं गए हो कभी, और गए हो तो आपको तो पता ही होगा फिर, और घूमने में मतलब जाने में वहाँ पे दर्शन करने के लिए भी फिर काफ़ी लंबा चलना पड़ता है, तो बच्चों को ज़्यादा रहता है, हमें तो मतलब नहीं है, बड़े लोगों को बच्चों का ये ध्यान रखना पड़ता है, बस आके थकान भी होगी थी इनको, तो कर लेते हैं आराम ताकि सुबह उठ के ये टाइमली कर सकें अपनी क्लास, सुबह बहुत वो करना पड़ता है मुझे, जल्दी जल्दी उठाना पड़ता है इन्हें, तो ठीक है फ्रेंड्स गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, और फ्रेंड्स समय है सुबह का, ये अगले दिन सुबह की वीडियो है जो अगले दिन सुबह में मैंने बनाई थी, क्योंकि मैं कर रही हूँ यहाँ अचार की तैयारी, अचार में मैंने गाजर और मूली को काट लिया है क्योंकि धूप आज काफ़ी अच्छी निकली हुई है, और कुछ गाजर और मूली मैंने गोल गोल काटी हुई है, कुछ ही इस तरह लंबी लंबी और पतली पतली काटी हुई हैं, तो ये देखिए, और धूप में बैठ के मैंने मटर को भी छील के रख लिया था, तो ये मैं मिक्स कर लूँगी दोनों को, और ये मैं मतलब उबाल नहीं रही हूँ ना ही इसमें भाप लगा रही हूँ, मैं यहाँ कर रही हूँ इसमें नमक और हल्दी डाल के, और करीब 1.5 घंटे के लिए मैं यहाँ इनको रख दूँगी ढक के, कपड़े से ढक के रख दूँगी इसी में करके, उसके बाद हम इनको निकाल के और धूप में सुखा देंगे, कपड़े पे फैला देंगे, कपड़े पे या किसी भी चीज़ पे फैला दो आप, लेकिन उसके बाद इसमें धूप काफ़ी अच्छी लगानी होगी, तो जो कि आज तो धूप काफ़ी फिर इनमें लग नहीं पाएगी, तो जितनी आज लगेगी लग जाएगी, बाकी की मैं कल इनको अगले दिन अच्छे से सुखा के
वैसे मैं रात को भी इनको कपड़े पे फैला के अंदर रख लूँगी, तो ये बस मिक्स करके इस तरीके से, और इनको आध पौन घंटे के लिए आप छोड़ दें, और फिर उसमें पानी, जब ये पानी छोड़ देंगी सारा, तो उनको निकाल के पानी में से और फिर फैला दें आप कपड़े पे। तो अगर आप धूप नहीं आती है तो आप कपड़े पे फैला के अंदर भी रख सकते हो, पंखे के नीचे रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, कर लेते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय। और ये अचार की रेसिपी मैं अगली वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी, जब मैं बनाऊँगी आपको तो ज़रूर दिखाऊँगी। ओके बाय।